सदगुरु सुंदर साधु दयाल है के ज्ञान समझाई। सुंदर साधु दयाल है के ज्ञान समझाई। पात्र बिना ठेरे नहीं शब्द निकल बे जाए। पात्र बिना ठेरे नहीं शब्द निकल बे जाए। शब्द निकल बे जाए। बोलो राम जी महाराज। पात्र बर्तन ठीक नहीं है, फूटा हुआ तो कैसे रुकेगा। ऐसे ही ऐसी प्रीति ऐसा जिज्ञासा हो उनका नाम शरण है महाराज। पुत्रिया चाओ पार गुरु को ले वो शरणा। सदारे वो यादीन ध्यान हरि धरना। सदारे हो यादीन ध्यान हरि धरना। ध्यान हरि धरना। बोलो राम जी महाराज। सदा आदीन रहो जैसे मछली जल के आदीन है महाराज। जैसे अमली अमल के आदीन है ऐसे आदीन रहो। अपनी मनमानी छोड़ दो बस। सदगुरु की कठपुतली बन जाओ। कठपुतली को नचाने वाले अपने हाथ में डोर रखता है वो जैसे खींचता ऐसे बनाती है। ऐसे ही भाई बहनों सदगुरु की कठपुतली बन जाओ। वो कहे उसी ही चाल चलो, उसी रास्ते चलो, उसी पंथ पर चलो, वही साधना करो, वही तो शरण का नमूना है। उतरिया चाओ पार गुरु का लेव शरणा। सदा रे हो या दीन ध्यान हरि धरना। सदा रे हो या दीन ध्यान हरि धरना। बोलो राम जी महाराज। सदा आदीन हो जाओ, पराधीन हो जाओ महाराज। दिन में सत्संग में प्रसंग आया था, संसारी दृष्टि से पराधीन जीवन जीवन नहीं माना गया है और आध्यात्मिक दृष्टि से गुरु धर्म की दृष्टि से पराधीन जीवन ही जीवन होता था। संसारिक दृष्टि से पराधीन जीवन जीवन नहीं है, पराधीन सपने हो सुख नाही महाराज ऐसा बताया। परंतु गुरु धर्म के दृष्टि से पराधीन जीवन ही जीवन है। हम सदगुरु के पराधीन हो जाएंगे, धर्म के पराधीन हो जाएंगे तभी जीवन है महाराज, तभी उधार, तभी कल्याण होगा। धर्म की तरफ से हम आजाद रहेंगे, उद्धार नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। संत और शास्त्रों ने बंधन से ही बंधन की निवृत्ति बताई है। बंधन से ही बंधन की निवृत्ति होगी। संसारिक अनेक प्रकार के बंधनों से जीव बंधा हुआ है, उन बंधनों से मुक्त होने के लिए गुरु धर्म के बंधन के अंदर बंधना होगा। जो संत लोग महात्मा लोग जिस बंधन में अपने को बांधते हैं कि ये तुमको करना है, संध्या वंदना नित्य करना है, पाठ पूजा नित्य करना है, सत्संग नित्य करना है, ये नित्य करना यही तो बंधन है उनका। और इस बंधन में जब हम बंध जाएंगे तभी संसारिक बंधनों से अपने को मुक्ति मिलेगी महाराज। और इन बंधनों से हम आजाद रहेंगे, मनमानी करेंगे, प्रमाद करेंगे तो उस बंधनों से मुक्ति नहीं मिल सकती। बंधन से बंधन की निवृत्ति बताई महापुरुषों ने। भाई बहनों प्रसंग पर ध्यान दो। संसारिक बंधनों से मुक्त होना है बस धर्म के बंधन में बंध जाओ, गुरु धर्म के बंधन में बंध जाओ। जो बांधते हैं उसमें बंध जाओ महाराज, बंध जाओ। बताइए जो साधना छोड़ो मत, बताइए जो नेम प्रतिज्ञा छोड़ो मत महाराज। जब आप नेम पक्का रखोगे तभी जीवन में प्रेम की जागृति होगी। नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव। नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव। जीव जगावे सुरत को, सुरत मिलावे पीव। जीव जगावे सुरत को, सुरत मिलावे पीव।
सुरत मिलावे पीव। फिर सदगुरु जी महाराज, सदगुरु का बताया हो जा नेम में खरा रहो महाराज, खरा रहो उसके बंधन में, बंध जाओ, बंध जाओ, तभी ही उन बंधनों से मुक्ति मिलेगी, आजादी मिलेगी। इस बंधन में हम नहीं बंधेंगे तो उस बंधन से छुटकारा नहीं मिलेगा महाराज। बंध जाओ, खरा नेम पकड़ो, प्रतिज्ञा लो महाराज, तभी प्रेम की जागृति होगी। नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे सुरत को, सुरत मिलावे ती। नेम लो खरा, सदा सुमिरन करना है, गुरुवाणी का पाठ करना है, सत्संग करना है, खरा हमारा नेम होना चाहिए महाराज। बस यही गुरु धर्म के बंधन में बंधना है, बताई हुई जो मर्यादा में रहना, बताई हुई जो साधना करना, नित्य करना, यही तो बंधन है उनका। और इस बंधन में हम बंधेंगे तभी मुक्ति होगी, तभी मोक्ष होगी महाराज, तभी संसारिक मोह जाल के बंधन से जीव को छुटकारा मिलेगा। वासना से, वासना की निवृत्ति बताई है, जैसे घर में हमारी वासना है, कुटुंब परिवार में हमारी वासना है, तो भाई बहनों वही वासना गुरुधाम में जोड़ो, वही वासना संतों में जोड़ो महाराज। संत हमारे हैं, संत हमारे हैं, कुटुंब परिवार हमारे हैं, ये मानते, ये झूठ बात है महाराज, आपके नहीं, संत हमारे हैं, ये सत्य बात है। गुरुदेव हमारे, परमात्मा हमारे हैं, गुरु सगा और संत सगा, अंत सगा हे राम, गुरु सगा और संत सगा, अंत सगा हे राम, के कबीर इन जीव को तीन ठोड़ बिसरा, के कबीर इन जीव को तीन ठोड़ बिसरा, तीन ठोड़ बिसरा। बोलो राम जी महाराज। संसारिक वस्तु में हमारी वासना है तो गुरुवाणी में वासना करो, गुरुदेव का दिया हो जो नाम है उसमें वासना करो महाराज, उनको अपना, उनमें ममता करो, उनमें मेरापन करो। संत हमारे हैं, परमात्मा हमारे हैं, मैं उनका हूं, ऐसा अहम करो, अभिमान करो, मैं हूं श्री भगवान का, मेरा श्री भगवान, अनुभव ये करते रहो, तज ममता अभिमान। ये बाप मेरा, माँ मेरी, पति पत्नी मेरे, वो आपका नहीं है, ये झूठा ममता आपका, भगवान मेरे हैं, आप भगवान के हो, ये सत्य बात है। बस इतना ही तो मोड़ना है। लिक्ष्मीदास जी महाराज हुए हैं अमरपुरा में, नागौर के पास में अमरपुरा गांव में, माली समाज में, बहुत ऊंची कोटि के महापुरुष हुए हैं। उनके पास में कोई उपदेश लेने के जाते तो वो ग्रस्त का काम करते, खेतीबाड़ी का काम करते महाराज। कोई उपदेश लेने के जाते तो क्या करते, कोई सब्जी का और भी कहते हैं कोई पौधा का रोप जो होता ना, उनको इधर से उखाड़ करके इधर लगा देते, बस हमारे पास में ये उपदेश है भाई। उनका कहने का अर्थ है ये पौधा इधर से उखाड़ करके इधर लगाया अब ये फलदायक होगा, तो उनका इशारा था जैसे मन, जो अपना मन रूपी पौधा जगत में, संसार में, परिवार में लगा हुआ, इनसे उखाड़ करके गुरुदेव के चरणों में लगा दो, बस कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, बस यही उपदेश था उनके पास। और यही तो करना है, जगत में, परिवार में, कुटुंब में हमारा मन लगा है, उसी मन को परमात्मा की ओर लगाओ, सत्संग की ओर लगाओ, गुरु धर्म की ओर लगाओ, वही है, वही करना है। पर मन सही तो मुक्ति और बंधन बताया महापुरुषों ने, मन का तो ही मुक्ति, मन की ही मानी मुक्ति, मन का माना ही बंधन है। मन के हारे हार है, मन के जीते जी, मन मिलावे राम जी, मन ही करे भजी।
तो मन ये जगत की ओर ले जा रहा, दौड़ के ले जा रहे हैं, रवाना कर रहे, चल वहां चलो, सवेरे जल्दी चलना है महाराज, वहां चलो। भाई बहनों, जाना है, जाना मना नहीं है, जाना है वहां रहना है, पर जहां वहां जाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, मन कह रहे वहां चलो जाओ, परंतु जाते समय पश्चाताप करो, प्रसन्न मत हो महाराज, प्रसन्न मत हो, पश्चाताप करो, सत्संग छूट रही है, सुख सागर छूट रहा है, दुख सागर की ओर जा रहे हो महाराज, दुखी होना चाहिए। जब यहां से लोग वापस रवाना होते, प्रसन्न होते, राजी होते, वहां जाना है, वहां घर के लोगों से मिलना, कामकाज कारोबार संभालना है, प्रसन्न होते हैं, यही तो पसने का तरीका है, वहां जाओ, मना नहीं, जाना है, परंतु दुखी हो महाराज, दुखी हो, हम सुख सागर में आए हैं, ये सत्संग सुख सागर है महाराज, ऐसा आनंद कहां मिलेगा आपको, कहां विश्राम मिलेगा, कहां शांति मिलेगी, फिर भी जीव अभागा इस सुख सागर को छोड़कर के वापस दुख सागर की ओर गति करता है। एक कोई धर्मदास जी महाराज जब सदगुरु कबीर साहब की शरण आए, सदगुरु कबीर साहब ने आज्ञा करी, धर्मदास अब वापस घर जाओ, घर लौट जाओ। धर्मदास जी महाराज कहते बहुत मुश्किल से आपकी शरण मिली है, आपका समागम मिला है, और अब घर जाने की जस्ते नहीं महाराज, कि वहां पता है गरमाए कुटमी ठग मोट, बुरी बिगाड़े स्यान घर कुण जावे रे, मारी बुरी बिगाड़े स्यान घर कुण जावे रे, मैं दुर्लभ पायो गुरु ज्ञान घर कुण जावे रे। भाई बहनों, घर में कुटमी ठग मोटा, सब ठगने वाले हैं, बुरी बिगाड़े शान, बूढ़े बूढ़े लोगों को बेचारो गाया भेषा में भेजिए, गाया भेषा में जाने की अवस्था है नहीं, कितनी फजी थी, कितनी बेइज्जती करते हैं वो लोग, फिर भी वहां जाते हैं, विचार करो, सोचो समझो भाई, सुख सागर को छोड़कर के दुख सागर की तरफ जाना, और फिर प्रसन्नता जाने के लिए राजी होना, जाना है, मना नहीं है, परंतु रोवो महाराज, यहां से जब रवाना हो तब दुखी होना चाहिए, हम कहां जा रहे हैं दुख में, ऐसा सुख सागर मिला है, जिनको छोड़कर दुख सागर में जाना, गरे को नाना जंजाला महाराज, मां नाना प्रकार का जंजाल है, नाना प्रकार का दुख है, आपत्ति है, अभी आप सुख सागर में डूबे हुए हो, सब दुख कलेशों से छुटकारा मिला हुआ है, जैसे चौमासे ऋतु में मच्छर और मक्खी ज्यादा हो जाती है, भैंसों को काटने लगते तो भैंसा क्या करती, जाकर के जल में प्रवेश कर जाती है महाराज, जब तक वो भैंस जल के अंदर रहती तब तक उनको मच्छर मक्खी नहीं काट सकती, पर वो जल को छोड़कर के बाहर आती सब चिपक जाती वापस, ये सत्संग ही जल सागर है, जिनमें आप डूबे हुए हो, अनेक प्रकार के कलेश मक्खियां से छुटकारा मिला हुआ है, और यहां से जाते ही वापस मक्खियां चिप जाएगी महाराज, वही कलेश वही दुख है, तो वहां जाते समय दुखी होना चाहिए, सत्संग से आप जब जाओ घर की ओर तो रोना चाहिए, दुखी होना चाहिए महाराज, हम कहां जा रहे हैं, ऐसे सुख को छोड़कर के, आनंद को छोड़कर के हम दुख की ओर गति कर रहे हैं, कितनी भूल है महाराज, कितनी भूल है, ग्रस्त का काम जिनका बाकी है उनके लिए तो बात अलग है, जाना है करना है, पर जिनका ग्रस्त का काम पूरा हो गया, अब तो बाण प्रस्त है, अपना उद्धार के लिए, कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए, और वो लोग भागते हैं उधर, तो बड़ी भूल है, बड़ी दुख की बात है, 50 साल के बाद में बाण प्रस्त शुरू होता महाराज, 51 52
ये वर्ष संकेत कर रहे हैं कि तुम घर को छोड़ो, वन में जाओ, निवृत्ति लो महाराज, रिटायरमेंट लो और अपना उद्धार के लिए, कल्याण के लिए कुछ साधन करो, भजन करो। 50 साल तक तुमने किया है पर अभी तक तुम धनवान नहीं हो तो अब कैसे हो जाओगे? अब तो अपना जीव के लिए कुछ, कल्याण के लिए कुछ करो भाई बहन। संतों ने, ऋषियों ने, महापुरुषों ने व्यवस्था बनाई है भाई, जीव अपना कल्याण भी कर सके, संसार का कारोबार भी चला सके। जिनके लिए जीवन का 100 साल की आयु का 4 भाग किया है, 25-25 साल का, 25 साल ब्रह्मचारी आश्रम का, 25 साल गृहस्थ आश्रम का, फिर 25 साल वानप्रस्थ का, फिर 25 ही संन्यास का। तो 25 साल की एज के अंदर ये ब्रह्मचारी आश्रम है, तो ब्रह्मचारी लोगों को क्या करना चाहिए? पढ़ाई लिखाई करना, योग्यता प्राप्त करना, क्योंकि आगे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है। पास में कोई योग्यता होगी तो ठीक से आश्रम चलाओगे, और कोई योग्यता नहीं है तो फिर कैसे व्यवस्था करोगे भाई? वहां गृहस्थ के जो 3 आश्रमों की जिम्मेवारी है, ब्रह्मचारी की, वानप्रस्थ की और सन्यासी की, तीनों की सेवा गृहस्थ को करनी पड़ती है, जिम्मेवारी है महाराज। देखो घर में छोटे बालक, वो ब्रह्मचारी, उनको पढ़ाना लिखाना उनका काम है, धर्म है। उनके माता पिता है वो वानप्रस्थ, उनकी सेवा करना फर्ज है। और बूढ़े दादा दादी है वो बाण यानी सन्यासी है, उनकी भी सेवा उनको करनी है। पास में कोई एलम नहीं है तो वो कैसे व्यवस्था करेगा? इसलिए ब्रह्मचारियों को पढ़ना लिखना, कोई योग्यता, कोई कला प्राप्त करनी, जिनके द्वारा फिर गृहस्थ आश्रम को ठीक चला सके, व्यवस्था कर सके। फिर जो गृहस्थ आश्रम है वो किस लिए है भाई बहन? गृहस्थ आश्रम संसार को बढ़ाने के लिए, ऐसा रतन पैदा करने के लिए, ऐसा बेटा बेटी पैदा करो, बेटा सत्या बने, बेटा संत बने, सूर बने, दातार बने महाराज, ऐसा रतन पैदा करने के लिए गृहस्थ आश्रम है। पहले युगों में बड़े बड़े राजा लोग होते, जब शादीशुदे होते तो पहले वो साधना करते, तपस्या करते, साधना करके अपना जीवन को वो संयम में रखते, फिर बाद में शादी करते, उनके संतान भी ऐसा होता महाराज, ऐसे होते। गृहस्थ आश्रम ऐसे नहीं है, जीवन को बिगाड़ने के लिए थोड़ा ही है, रतन पैदा करने के लिए ये गृहस्थ आश्रम है। संत सदी सूर पैदा करो, महापुरुषों ने आज्ञा दी है, जननी जनो तो भगत जन के दाता के सूर, जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नहीं तररे जे बांजड़ी मति गमा जे नूर, नहीं तररे जे बांजड़ी मति गमा जे नूर, मति गमा जे नूर। बोलो राम जी महाराज। भाई बहनों, आज सब लोग धर्म से भ्रष्ट हो गए हैं कि माता पिता ने पहले ख्याल नहीं किया है, इसलिए माता पिता का लोग आदर नहीं करते हैं, संतान सेवा नहीं करती है, जिनका कारण यही हुआ है, उन्होंने पहले ख्याल नहीं किया। अगर वो पहले संयम से रहते, साधना करते, भजन करते, फिर संतान पैदा करते तो उनका संतान तेजस्वी होता, भक्त होता, सेवक होता महाराज। गृहस्थ आश्रम रतन पैदा करने के लिए है। अच्छा संतान पैदा करो, 50 साल तक, 25 साल में ऐसा हो जाता है, 50 साल पूरा हुआ फिर गृहस्थ आश्रम पूरा है। अपना जो अधिकार, पिता का अधिकार पुत्र को सौंप देना चाहिए और माँ का अधिकार बहु को सौंप करके और वानप्रस्थ में प्रवेश करो और अपने जीव के कल्याण के लिए कुछ साधना करो, भजन करो। और वो आज कहाँ है महाराज, कहाँ है?
सारी जिंदगी गृहस्थाश्रम ही बिताते हैं, गृहस्थ हैं महाराज, बूढ़े बूढ़े लोग, दांत गिर गया, आंखों की ज्योति नहीं, वही कहते हम गृहस्थ हैं महाराज। तुम गृहस्थ नहीं हो बाबा, तुम गृहस्थ नहीं हो, तुम बाणप्रस्थी हो या सन्यासी हो गए। अब तो कल्याण करो, भजन करो, गृहस्थियों के लिए उपदेश अलग है महापुरुषों का और बाणप्रस्थियों के लिए अलग है। गृहस्थियों के लिए उपदेश कैसा है? हाथ काम मुकराम है हृदय साची प्रीत, हाथ काम मुकराम है हृदय साची प्रीत, दरिया सच्चा ग्रस्त की आई है उत्तम रीत, दरिया सच्चा ग्रस्त की आई है उत्तम रीत, आई है उत्तम रीत। बोलो राम जी महाराज। हाथ काम करा, हाथों से काम काज अपनों कारोबार कारोबार करो, जबान से भगवान का नाम लो, अपनी संतान को अच्छा संस्कार दो, संस्कार दो महाराज। आजकल के माँ बाप अपनी संतान को संपत्ति बहुत देते परंतु संस्कार नहीं देते हैं, तो संस्कार ही दिगर वो लोग संपत्ति को छीन लेते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं महाराज, वो भटकते रहते हैं। माता पिता का फर्ज है संस्कार देना, उनको संस्कार दो, शुभ संस्कार दो, अच्छी शिक्षा दो महाराज। घर में भगवान की पूजा रखो, गुरुवाणी की पूजा रखो, छोटे मोटे सबको जो आरती में खड़ा करो, आरती बोलाओ, वहां नमस्कार प्रणाम करना सिखाओ। घरों के अंदर टीवी ऐसी मत करो, टीवी से उनका बड़ा संस्कार बिगड़ता है महाराज, मर्यादा बिगड़ जाती है, बिगड़ जाती है। और सत्संगी गुरुमुखी भाई बहनों को इस प्रश्न पर ध्यान देना, अपने जो संतान है उनको अच्छा संस्कार दो, शुभ संस्कार दो। ये लोग आज टीवी देखते हैं उनसे संस्कार बिगड़ता है महाराज, वहां मर्यादा बिगड़ती है, शर्म चली जाती है, वहां लोगों की बुद्धि बिगड़ गई है। आज देखते हैं वहीं माँ बेटी, वहां बाप बेटा, वहां छोरा छोरी बेटी है, टीवी देख रहे, नाटक देख रहे, वो क्या क्या चित्र, कैसे कैसे डांस करते हैं, सब लोग ताकरे देख रहे, वहां कैसे मर्यादा रहेगी महाराज? विचार करो, सोचो, समझो। भाई बहनों, अपने संतान को शुभ संस्कार दो, अच्छा संस्कार दो। गृहस्थी भाई बहनों के लिए ऐसा उपदेश है, हाथ का मुकरा, हाथों से काम काज करो, जवान से परमात्मा का नाम लो, हृदय में परमात्मा से प्रीत हो, वो हमारा है, मैं उनका हूं। बाणप्रस्थी लोगों के लिए उपदेश अलग है, बाणप्रस्थी लोगों को काम काज करने के लिए मना किया है, काम बहुत किया तुम लोगों ने, 50 साल तक किया है, अब तो बस पिता का काम पूरा हो गया, पिता धर्म तो सज गयो पुत्र दियो परणाय, अब पुत्र धर्म तो जब सजे करे बंदगी जाए, पिता का काम पूरा, बेटा बेटी शादीशुदा हो गए तो काम पूरा हो गया, बस अब तो फ्री हो जाओ, अब पुत्र का काम बाकी है, माता पिता का जहां अनुकूलता हुआ रहे और वहां उनका बस्तर भोजन और औषधि की व्यवस्था कर दे, तब पुत्र का फर्ज पूरा होता है। तो बाणप्रस्थी लोगों के लिए प्रपंच करने की मना है, खाना एकणी में आने में, बर्तन में आवे नहीं दो।